गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड दे नैक्सट टॉपिक दे विच असी कर रहे हैं फाइव मैंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरेन। पायरोल असी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्यूरेन जो है दैट इज फाइव मैंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हेटरो एटम। और एक कंपाउंड सानू ऑलरेडी असी फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये भी एरोमेटिक है। हुण असी इसके सब तो पहले करने हैं मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन। सो कई मैथड्स बुक विच दिते हुए है, तुसीं उन्हां नूं लर्न कर सकदे हो। एक जिहड़ा जनरल मैथड है वो है फ्रॉम फरफरल। फरफरल जिहड़ा नेम तो आइडिया लगता है, फर इज़ फॉर फ्यूरेन एंड अल इज़ फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। सो फरफरल जो है दिस इज़ फ्यूरेन कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप एट पोजिशन 2। तो ये सानू कंपाउंड चाहिए, बट द थिंग इज़ कि ये कंपाउंड असी बनाना किस तरह है। तो उस दिन असी की लैने, पेंटोसंस लैने हैं। पेंटोसंस पॉलीसैकराइड ने जिन्हां दे विच फाइव मैंबर्ड रिंग जो है वो अवेलेबल है। सो पेंटोजिस ने, बट वो पॉलीसैकराइड दी फॉर्म विच है, मीनस पेंटोजिस जिहड़े रिंग्स ने आपस विच अटैच है। ये सानू जिहड़े अवेलेबल होंदे ने हल्स तो अवेलेबल होंदे ने ओट हल्स तो, और ईवन अगर अस देखिए तो राइस हल्स या फिर कॉर्न कोब्स। हल्स का मतलब की है जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो ओट का बीज है या राइस का बीज है उस जिहड़ी बाहर लेयर होंदी है प्रोटेक्टिव लेयर, उसनूं असीं हल कहने। इस तरह कॉर्न कोब की होंदे जिहड़े मक्की होंदी है साडे कोल, उसका जिहड़ा मक्की का छली जिसनूं असीं कहने, जिस उपर दाने उसके अटैच होंदे है, सो दे आर कॉर्न कोब्स। सो इन्हां दे विच पेंटोज शुगर्स होंदे ने जिहड़े कि आपस में अटैच होकर पॉलीसैकराइड बनाते हैं। इन्हां नूं जदों असीं हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl, तो उस दे विच ये की होंदा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, सारे यूनिट्स जिहड़े अलग अलग हो जाएंगे, तो साडे कोल एल्डो पेंटोजिस बन जाते हैं। मीनस जिहड़े स्टार्टिंग यूनिट्स वो बन जाएंगे। और ये एल्डो पेंटोजिस की है, फाइव मैंबर्ड एल्डोजिस। जिस तरह से ग्लूकोज पढ़िया है वो सिक्स है, एल्डो हेक्सोज है, तो इस तरह एक ही है फाइव मैंबर एल्डो पेंटोज है। और इसनों अगर असी डीहाइड्रेट करिए और नाल दी नाल इसनों साइकलाइज कर दिए, तो उस नाल साडे कोल फाइव मैंबर रिंग बन जाएगी, और जिहड़ा कि साडा स्टार्टिंग मटीरियल है फरफरल। और फरफरल नूं अगर असी स्टीम दी प्रेजेंस दे विच डीकार्बोनाइजेशन करिए एट हाई टेंपरेचर इन प्रेजेंस ऑफ सम मेटल ऑक्साइड विच कैन बी यूज एज कैटलिस्ट, तो इस दे असी ये कार्बोनल ग्रुप जो है रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस में असी डीकार्बोनाइजेशन करने हैं। सो डीकार्बोनाइजेशन उस नाल साडे कोल फ्यूरेन जो है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड रेट। सो ये तो है मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सिंपल फ्यूरेन। बट अगर असी फ्यूरेन डेरीवेटिवस बनाने हैं तो साडे कोल फिर कई मैथड्स ने फॉर द प्रैपरेशन ऑफ फ्यूरेन डेरीवेटिवस। उन्हां विचों एक मैथड उही है जो असी पायरोल डेरीवेटिव लई यूज़ किया सीगा, दैट इज़ नोन एज पालनोर सिंथेसिस। उत्थे भी असी इसका नाम पालनोर ही पढ़िया सी, और जो स्टार्टिंग मटीरियल असी उस लिता सी उही असी इत्थे लेना है, दैट इज़ 1,4-dikeeto। सो वी स्टार्ट विद 1,4-dikeeton जिहड़े कि इनोलाइजेबल कीटोनस हुंदियां ने। इनोलाइजेबल कीटोन मीन उस दे विच कीटो इनोल स्ट्रक्चर असी बना सकते हैं, इनोल विच असी इसनूं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असी इस दे विच इस तरह की डाइकीटोन लवांगे। सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 1 and 4-dicarbonyl, और इनू असी इनोलाइज कर सकते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस कार्बन के नाल असी इत्थे कीटो इनोल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इस अगर असी एन डीहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करते हैं लाइक फॉसफोरस पेंटाऑक्साइड, तो उस होएगा सब तो पहले तो ये जो कम स्ट्रक्चर है 1,4-dikeeton है, ये जो असी हीट करते हैं इसकी प्रेजेंस में तो इनोल दे विच कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह कि इत्थे इनोल बन जाएगा और इस साइड पे भी इनोल बन जाएगा। सो ए इनोल जदों ही बनेगा इट विल अंडरगो डीहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इस दे विच डीहाइड्रेशन हो जाएगी और साडे कोल फ्यूरेन डेरिवेटिव बन जाएगा।
सो इसका नाम की है 2,5-डाईमिथाइलफ्यूरिन। और इसे पालनोसिंथेसिस दे विच भी एक होर साडे कोल ऑल्टरनेटिव है। सो उस दे विच असी 1,4-डाईकीटोन लैन की बजाय असी बीटा कीटो एस्टर लै सकते हैं, जिस तरह कि असी पायरोल दे केस विच भी कीता सी। सो बीटा कीटो एस्टर मीनस दिस इज सब तो पहले इतने एस्टर ला लेंगे ग्रुप। सो ये एस्टर ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन बीटा ते कीटो ग्रुप है। सो दिस इज बीटा कीटो एस्टर। और अगेन इसका परपज़ यही है कि ये जो ग्रुप है मिथिलीन ग्रुप, दिस इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे जिस नाल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, तो यह इनोल स्ट्रक्चर विच कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव कोरस्पोंडिंग इनोल फॉर्मेशन। सो ये कीटो फॉर्म हो गई और यह इनोल फॉर्म। सो दिस इनोल व्हेन ट्रीटेड विद अल्फा हेलो कीटोन, सो ये कीटोन है साडे कोल, ये अल्फा कार्बन हो गई, इस ऊपर हैलोजन लगी हुई है। सो दिस इज अल्फा हेलो कीटोन। तो इस विच एक कार्बन इतने अटैक करेगी, जो यही चीज़ असी पायरोल के केस विच भी पढ़ी सी। सॉरी, इतने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। सो इतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, इतने डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो इट विल लूज दिस प्रोटोन टू गिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हेयर। हूँ फिर इतने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगेन बाय द सेम रीजन इतने फिर दोबारा इनोल स्ट्रक्चर बन जाएगी, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। सो सो हुन की होएगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन और इतने OH ग्रुप बन जाएगा। सो इतने मिथाइल ग्रुप और इसने इतने अटैक किया कार्बन से और इतने OH ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इस तरीके ना इसने अटैक किया तो इतने H जो इतने जाके अटैच हो जाएगा। हुन फिर दोबारा इतने डीहाइड्रेशन असी कर देंगे, ये वाटर लॉस और साढ़े को कंपाउंड बन रहा है फ्यूरेन है। और डिपेंडिंग ऑन कि असी स्टार्टिंग मटीरियल की लिता सी उस तरह इतने साढ़े को डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हो जाएंगे। सो इसका नाम की होएगा, अपा पायरोल दे केस विच कीता सी का ईथाइल 2,5-डाईमिथाइलफ्यूरेन, फ्यूरेन 3 कार्बोक्सीलेट। सो दिस इज ईथाइल 2,5। ईथाइल 2,5-डाईमिथाइल 3, क्योंकि इसे नंबरिंग इस साइड तो करांगे लोएस्ट नंबर मिलेगा। फ्यूरेन कार्बोक्सीलेट। सो इस तरह साढ़े को फ्यूरेन के डेरिवेटिव जोड़े है असी हूँ प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फ्यूरेन।